हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है मिसलिनियस एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन चैप्टर 5 डेरिवेटिव। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आप लोगों को, फाइंड द डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं, इसमें से वन ऑफ देम क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज इक्वल टू 3x² - 9x + 5 की पावर 9 दे रखा है। तो इसको हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर लीजिएगा या लॉगरिथम का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो लॉग वाले से कर लें, टेकिंग लॉग, तो लॉग बाई इज इक्वल्स टू 9 log 3x² - 9x + 5। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1/y इनटू बाई का dy/dx, 9 log x का होगा 1/x, तो चाहो तो इस तरह लिख दीजिएगा d/dx ऑफ log 3x² - 9x + 5। सो 9 और इसका होगा 1/3x² - 9x + 5 इंटू d/dx ऑफ 3x² - 9x + 5। तो ये हो गया भाई 9/3x² - 9x + 5 इंटू, इसका डेरिवेटिव करें 6x - 9। चाहें तो हम लोग यहाँ से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 9 × 3 × 2x - 3 ओवर 3x² - 9x + 5। ये चला है 1/y, तो यहाँ से हम निकालें dy/dx, यानी मल्टीप्लाइंग बाई बोथ ऑफ द साइड्स, नाव वी हैव इंटू बाई आ जाएगा, बाई की वैल्यू यूज़ कर लेना। तो ये हो गया, बाई की वैल्यू है 3x² - 9x + 5 और इसकी पावर 9 है इंटू 27 × 2x - 3 ओवर 3x² - 9x + 5। और देखो इसके इन दोनों के ये बेस सेम देख रहे हैं हम लोग, तो इसे क्या कह पाओगे, ये हो जाएगा आपका 27 × 2x - 3 इंटू 3x² - 9x + 5 और इसकी पावर होगी 9 - 1। सो 27 × 2x - 3 इंटू 3x² - 9x + 5 और पावर क्या होगी इसकी 8। ये क्या हो गया dy/dx। तो इस क्वेश्चन में आपको यही डिफ्रेंशिएट करना था, इसको ये आंसर हो गया इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आप लोग का, इफ एक्स √1 + y + y √1 + x इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू -1/1 + x². तो क्वेश्चन है x√1 + y + y√1 + x इज इक्वल टू 0। तो इसमें डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग प्रूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। तो x√1 + y = -y√1 + x और स्क्वायरिंग बोथ ऑफ द साइड्स, सो x² × 1 + y = y² × 1 + x, देन x² + x² y = y² + y² × x। इस y स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करें तो x² - y² = y² × x - x² × y। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा फैक्टराइजेशन यूज़ करें, ना अप्लाइंग h² - v² देन वी कैन सी x + y × x - y।
अब यहाँ से भी हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है और माइनस हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, एक्स पॉजिटिव एक्स माइनस वाई। ओके, नाउ डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, पूरे इक्वेशन को एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दें, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। ओके, अब यहाँ से ये जो बाई वाला टर्म दिखाई दे रहा है इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया जाए, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई माइनस बाई, एंड नाउ बाई टेक एस कॉमन, देन वी हैव एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, सो माइनस वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ये तो हमारा सिंप्लीफिकेशन हुआ, अभी तक हमने डेरिवेटिव का यूज ही नहीं किया। अब इसको डिफरेंशिएट तो अब करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नाउ वी अप्लाइंग क्वेश्चन रूल, देन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेक एज कॉमन, वन प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन। ओके, माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, तो वन प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी ये ब्रैकेट जो है हमारा कॉमन चल रहा है, एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई और कर लें तो माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद जो पार्ट है हमारा एक्स से एक्स कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ओके, इसके बाद इस एक्सरसाइज को पूरी को करना है, और अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो वो अपना ग्रुप में उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं।